हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आरसीबी टीम अपना नौवां मैच खेलने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। ऐसे में इस मैच में टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, कौन से खिलाड़ी कौन से पोजीशन पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे, क्या चेंजेस होने वाले हैं, सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाइयों, आपके हिसाब से आरसीबी टीम के 9th मैच में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाकर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको आरसीबी टीम से जुड़ी लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर यार उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां पर ही आपको आरसीबी टीम से हर एक न्यूज़ सबसे पहले सबसे तेज मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरसीबी अपना नवा मैच जो है 1 मई को खेलने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। ये मैच टीम के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ से टीम अगर एक भी मैचेस हारती है तो कहीं ना कहीं इनकी प्लेऑफ में जाने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। टीम को 2-2 अंक लेकर आगे बढ़ना है। फिलहाल 8 मैचेस खेल चुके हैं, 4 में जीत मिली है, 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, टोटल जो है 8 अंक है। कम से कम यहां से 8 अंक और चाहिए होंगे प्लेऑफ में जाना है तो, जिससे 16 अंकों के साथ आरसीबी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अब हम बात करें कि आखिरकार लखनऊ के खिलाफ मैच में आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो भाई, यहां पर प्लेइंग 11 जो है कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें होते हुए नजर आएंगे। पहला चेंज तो यही होने वाला है कि जॉश हेजलवुड कमबैक करने वाले हैं, ऐसे में डेविड विल्ली बाहर जाएंगे तो ही जॉश हेजलवुड जो है टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरा चेंज वहां पर शाहबाज अहमद को भी टीम बाहर कर सकती है, उनके प्लेस पर कंठ शर्मा को लेके आ सकती है। हम बात करें फाइनल प्लेइंग 11 की तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जहां पर हमें ओपनर्स वही खेलते हुए दिखाई देंगे, फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर यहां पर एक बड़ा बदलाव हो सकता है, इस बार हमें प्रभु देसाई खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं नंबर 3 पर, अगर बाई चांस जल्दी विकेट जाता है तो। वहीं दोस्तों, अगर बाई चांस सिचुएशन अच्छी रहती है बैटिंग के हिसाब से, तो ऊपर जो है मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि नंबर 3 पर मैक्सवेल या फिर दिनेश कार्तिक को ही भेज दिया जाता है। इसके बाद 4 पर एज इट इज पहले जैसे मैक्सवेल, 5 पर दोस्तों वहां पर दिनेश कार्तिक, 6 पर इसके बाद भाई लोमरोर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही दोस्तों, 7 पर शाहबाज अहमद या फिर कंठ शर्मा को चांस मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, नंबर 8 पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे हर्षल पटेल, 9 पर हसरंगा, 10 पर खेलते हुए दिखाई देंगे सिराज, और इसके बाद 11वें नंबर पर डेविड विल्ली या फिर हेजलवुड खेलते हुए नजर आएंगे। ये होने वाली है मेरे हिसाब से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 लखनऊ के खिलाफ मुकाबले के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, प्लेइंग 11 पसंद आई हो तो, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।